भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र गहलोत जी ने ज्वाइन की है और जसपा पार्टी को छोड़ कर आए। मैं बड़े भाई का कल भी और आज भी मैं आपके प्रेस के माध्यम से स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने कल भारतीय जनता पार्टी गुड़गांव गुरु कमल जो कार्यालय है प्रदेश का कार्यालय उसमें भाई साहब को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। और भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती है कि भी इस पार्टी में छोटे से छोटा कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, छोटे से छोटा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है और छोटे से छोटा कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये खूबसूरती भारतीय जनता पार्टी की। और इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं एक मानता हूँ कि बहुत से युवा साथियों ने कल वहाँ पर ज्वाइन किए हैं। आम आदमी पार्टी भी छोड़ गया है, उन्होंने ज्वाइन किए और बड़े भाई ने भी ज्वाइन किए। तो मैं अपने जिले में होने के नाते प्रदेश के भी और जो मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहने देंगे। और इस कार्य में जिले से कुछ साथी लोगों से भी जो मेरे संपर्क में है, कुछ कांग्रेस के साथी हैं लगातार संपर्क में है। एक बड़ी ज्वाइनिंग की भी एक संदेशा है, जल्दी ही जिले में करेंगे और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को और बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर वैसे तो विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी, और इसमें लगातार हमारा कदम बढ़ रहा है। और एक बड़े नेता के रूप में मैं मानता हूँ कि गोहाना के एक बड़े नेता के रूप में भाई साहब ने जजपा में इन लोगों में काम किया, लंबे समय तक 36 वर्ष काम किया और एक एक गली गली मोहल्ले तक भाई साहब पहुँचे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया, मैं बहुत बहुत स्वागत हो रहा हूँ। लंबे समय से गोहाना और बड़ौदा में भाजपा के लिए सूखा है, क्या इस तरह से कद्दावर नेता के आने के बाद ये सूखा मिटेगा? बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि भी ऐसे बड़े नेता सीनियर लीडर आने से उनके प्रभाव से सैकड़ों हजारों की साथियों के साथ एक प्रभाव होता है और वो जुड़ते हैं और पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। ऐसे कुछ नेता और सीनियर नेता हैं जो लगातार हमारे संपर्क में और जल्दी ही उनको भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। लेकिन जिस प्रकार से ने गोहाना हल्का अध्यक्ष से निवृत्त करने के बाद एक नाराजगी थी जिसके कारण कुछ इनके गुस्सा होने के कारण आज पार्टी छोड़कर फिर भाजपा में शामिल हुए, क्या कोई आश्वासन दिया गया भाजपा में? नहीं, जो मान सम्मान वहाँ था उससे ज्यादा मान सम्मान देंगे और जो जिस पद पे वहाँ थे उसे उन्हीं पदों पर हम यहाँ पे, जो हमारे पार्टी का अलग अलग है फोरम है अलग अलग है उसको, और भाई साहब को हम अच्छा मान सम्मान देंगे नरेंद्र जी को और पार्टी की हर गतिविधि में शामिल हो गई है, पार्टी को मजबूत करने का काम। नरेंद्र गहलोत जी क्या कारण रहे कि सरकार में शामिल जसपा को छोड़कर आप भाजपा के साथ? देखिए, कारण तो अनेकों होते हैं। कारण तो हमने यहाँ पे सन 87 से हमने किशन सिंह छांगवान का जो एमएलए का चुनाव था, जब से हमने ये पार्टी ज्वाइन की थी और हम जब से लगातार बिल्कुल इतने ईमानदारी से हमने इसमें काम किया है, किसी चीज़ का हमने अपना वो नहीं रखा, कोई डिमांड नहीं रखी, कोई चीज़ हमने किसी से ली नहीं, और अब तक हम यहाँ तक काम किया है। अब थोड़ी सी एक अड़चन आ गई थी कि मेरे को, मैं हल्का अध्यक्ष था, मैं लगातार काम भी कर रहा था, उससे पहले मैं गोहाने का सिटी का प्रधान भी था, जब भी अड़चन आई थी फिर जब मेरे को एक शांति हो गई थी तो उसी दिन मेरे को फिर शहरी बना दिया था, फिर ऊपर होकर के पहले गाँव को भी देखो। अब मेरे को हल्का अध्यक्ष से हटा दिया, मैंने पूछा भाई कारण बताओ, तो उन्होंने कहा भाई ऊपर जिले में ले लिया आपको, मैंने तो हल्के में काम करना है, तो उन्होंने बोले कि हल्का तो आपका करते रहिए काम, फिर उनको सेटिस्फाई है जवाब नहीं दिया। मैंने उनको बोल दिया कि भाई मैं इस पद पर काम नहीं करूँगा, अपने घर बैठा। तो इसमें भी इस हमारी इस पार्टी में भी जेजेपी में भी कुछ ऐसे नेता हैं जो एक दूसरे को अपनी टांग खींचने में लगे रहते हैं, जिनकी आदत है, जो अपना प्रभाव दिखाते हैं, उन्हें पार्टी की जरूरत नहीं है, उन आदमी को ये जरूरत है मेरे प्रभाव हो। और हम पार्टी का प्रभाव मानते थे, हम पार्टी को पहले मानते थे, आदमी को दोबारा दूसरी बार नेता को दूसरी नंबर देते थे। तो हमने अपने तरीके से अपनी ईमानदारी से पूरे हल्के में हर रैली जलसा जुलूस जो भी हुआ अपना पूरे हर टारगेट अपने स्वैच्छिक कोष से भी करके, हमने किसी से कोई साथ में कोई पैसे इकट्ठा नहीं किया और कुछ नहीं किया, सब अपने पल्ले से करके हम पूरा अपना टारगेट करते।
उसके बाद भी हमारे को मान सम्मान कम मिला, हम मान सम्मान कम मिलने में हमारा दिल पे ठेस पहुंची। मैं 2 महीने तक घर बैठा रहा, मेरे पास अलग अलग पार्टियों के फोन आए, फिर हमारा अध्यक्ष से संपर्क हुआ, प्रदेश अध्यक्ष से संपर्क हुआ और फिर इन्होंने हमारे को ये आश्वस्त किया भाई तुम्हारे को पूरा मान सम्मान प्यार मिलेगा, किसी चीज की कोई वो नहीं होगी। और हमारे को भी लगा बीजेपी में कम से कम एक तो टांग खींचने वाला नहीं है एक दूसरे की, कोई जैसे इस पार्टी में शिकार हुआ किसी आदमी का, बीजेपी में ऐसा नहीं है। हम तो यही मान के कल मैंने ज्वाइनिंग पे देखा बिल्कुल कार्डर है कि इसका बिल्कुल जितना जैसे जैसे तरीका कोई इसमें भाजालू जी कोई इधर उधर वाली कोई फोटो खिंचवाने वाली कोई चीज नहीं है, कार्डर के हिसाब से बैठाया जाता है, कार्डर के हिसाब से किया जाता है। और बहुत ही हमारा कल सम्मान भी मिला, प्यार भी मिला और सिर्फ हमारे को तो सम्मान ही चाहिए और हमने ज़्यादा वो नहीं है, हम जैसा हमारे भाग में होगा, राजनीति में तो हर आदमी सोचता है पर हम भाग्य को पहले लेते हैं और सारी चीज़ बाद में देते हैं। आप कांग्रेस में भी जा सकते थे, किसी दूसरी पार्टी में भी जा सकते थे, आप बीजेपी की तरफ आए। कांग्रेस मेरे को कहा गया, कांग्रेस में मेरे पे प्रेशर भी आया कांग्रेस का, पर कांग्रेस में भी वही हाल है जो हमारे बीजेपी में था, वहाँ भी किसी एक आदमी को कह दें तो उसका सब करा करा खत्म हो जाता है। बीजेपी पे भरोसा है आपको? बीजेपी पे भरोसा देते को हमने तो दूर से देखा, अभी तो नहीं है, मतलब इनके जो सिस्टम पे भरोसा है, जो बीजेपी का मैंने सिस्टम देखा है ना उस पे भरोसा है। घटनाक्रम बदले, कदम से कदम मिलाकर साथ चलने वाले पदम सिंह भैया और आप दोनों, हाँ, एक कांग्रेस में चले गए आप भाजपा में चले, भाजपा की ऐसी कौन सी नीति आपको अच्छी लगी जिसके कारण आपने भाजपा? देखो जी, भाजपा की नीति तो बहुत अच्छी, हमारा 10 साल से जो भी सेंटर में मोदी जी की सरकार है, नरेंद्र जी मोदी की सरकार है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, इतने अच्छे काम किए हैं। G20 भी बहुत अच्छा, इस पर इस पूरी दुनिया में इस देश का नाम रखा है। और जितनी भी फॉरेन पॉलिसी तो मोदी साहब की इतनी ज़बरदस्त है, आज तक हिंदुस्तान को कहीं कोई याद ही नहीं करता था, ये दूसरे देश में जाकर भी अपनी हिंदी भाषा को बोल करके लोगों को करवाते हैं तो इसका। और फिर दूसरा यहाँ मनोहर लाल जी खट्टर का जो भी अपना हम देख रहे हैं 9-9 साल से, इन्होंने भी बहुत अच्छा ईमानदारी से काम किया है, यहाँ पर्ची खर्ची का कोई सिस्टम नहीं है, इन्हीं चीज़ों को देख करके सारा सिस्टम देख करके पूरा मन को पूरा टटोल के समझा के और हमने फैसला जल्दी लिया। क्योंकि आप एक कद्दावर नेता थे और अब भाजपा में आए, किसी प्रकार का आश्वासन आपको भाजपा द्वारा मिला ना? मेरे को आश्वासन कोई नहीं मिला, सिर्फ मान सम्मान का आश्वासन मिला है। अब भाई मान सम्मान मिलेगा इस पार्टी में, हमारे पास भी कुछ नहीं है जो हम किसी को दें, हम भी किसी से मिलता है, हमारे पास मान सम्मान है, जैसे अपने प्रधान जी कह रहे हैं मान सम्मान मिलेगा, इनको भी कुछ मिलेगा तो ऊपर से मिलता है। धनखड़ साहब भी कुछ खुद कह रहे थे कल, अगर हमारे भी कुछ दिया तो किसी ऊपर ले दिया है, देने की क्षमता तो हमारी नहीं है पर सम्मान है, वो सम्मान दें। 2024 को देखते हुए जजपा का तो क्या हाल देखते हैं 2024? देखो जजपा का तो ठीक है, हम उस बारे में मेरा कोई कमेंट नहीं है, हमारे नेता के साथ भी अच्छे, आप मेरे को नेता से कोई शिकायत नहीं थी, मैं तो यहाँ शिखर नेतर तो लोकल शिखर नेतर जो अपने आप को मानते ना, मैंने उनसे शिकायत, मेरे को दुष्यंत जी से, दिग्विजय से, अजय सिंह से कोई शिकायत नहीं हुई, मैं तो बहुत अच्छा प्रेम करते हैं, कोई शिकायत नहीं है। भाजपा से पूरा भरोसा आपको मान सम्मान मिलेगा? भाजपा से तो भरोसा ही है। क्या लगता है आपको सरकार बीजेपी की बनेगी बहुमत से हरियाणा? बिल्कुल बनेगी हरियाणा, मैं तो पहले भी कहता था सरकार तो बीजेपी की बननी है और आश्वस्त कराओ, हम तो पक्का तो तो मैं आप भी गठबंधन नहीं कहेंगे, गठबंधन तो नहीं, शिखर नेतृत्व का काम है भाई, आप भी गठबंधन है वो भी शिखर नेतृत्व का है। क्या आपको उम्मीद नहीं है कि बीजेपी का पूर्ण बहुमत? हम तो पूर्ण बहुमत, हम तो पूर्ण बहुमत ले आओगे और आए क्या था? लेकिन जिस प्रकार से पोर्टल की समस्याएं, देखियो पोर्टल की समस्याएं जो सामने आती है, पोर्टल की समस्या नहीं है, पोर्टल को तो अपोजिशन ने बढ़ा दिया, गांव में लोग शादी हैं, जो भी पोर्टल में प्रॉपर काम नहीं हुआ
ना तो इतना अच्छा सिस्टम है पोर्टल का, कहीं जाना है नहीं, घर बैठे सब कुछ होना है। आज किसान अपने पोर्टल पर गेहूं डालता है, धान डालता है, उसने वही टाइम मिल जाता है, उस टाइम पर जाके तलवा के आ जाता है, पैसे अपने खाते में आ जाते हैं। आज सही मायने में मैं तो ये कहता हूँ कि जितना बीजेपी ने किसानों का किया है, बीजेपी किस तरह नहीं भुना पा रही है नहीं पता है, पर जितना बीजेपी ने किसानों का किया, चाहे सब्सिडाइज ला लो, जितने एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स पे सब्सिडी दी है, क्योंकि मेरा भाई एडिशनल डायरेक्टर था, वो करोड़ों करोड़ों रुपए की सब्सिडी दी गई, एक के घर में यू समझो 1 करोड़ की सब्सिडी दे दी।